top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपना एड्स चीफ मिनिस्टर की फोटोग्राफ के साथ, ये एक इंडिगल एक्ट है। तो हमारा सवाल ये है कि इसके लिए टैक्सपेयर की मनी पैसा क्यों खर्च किया जाए, क्यों वेस्ट किया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जितने भी सारे एड्स कंटिन्यू कर रहे हैं, इस एक्ट की खर्चा एथिकल प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए और इस एक्ट की खर्चा केजरीवाल जी खुद पर्सनली दे और नहीं तो उनकी पार्टी कलर नहीं देना चाहूंगी। और डेली कमीशन फॉर वुमेन जिसका प्रस्ताव है कि उनको एक कुमार जी का समन भेजी, और ये समन इसलिए भेजी थी क्योंकि वर्षा सिंह जी ने खुद ही टेलीविजन में कहा था कि काफी दिनों से वो कुमार विश्वास जी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुमार विश्वास जी उनका कोई रिस्पांस नहीं दिया, उनकी कॉल्स का कोई रिस्पांस नहीं था, उनकी ईमेल की कोई रिस्पांस नहीं थी, इसीलिए उन्होंने समन भेजा। और वो समन में अगर कुमार विश्वास जी आ भी जाते हैं, मैं ये नहीं सोचती उनकी मर्यादा की कुछ भी हानि होती, क्योंकि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन हो, वुमेन कमीशन हो, ह्यूमन राइट कमीशन हो, तो ये एक डेमोक्रेसी की पिलर होते हैं। तो उसमें जाने से जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग कानून रक्षा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेके आप चीफ मिनिस्टर बने, तो उनको तो आना चाहिए सामने खुला के, उनको समन में उनको पेश होकर उनका क्लैरिफिकेशन। कोर्ट ने भी जो उन्होंने इसके की मांग की थी कुमार विश्वास जी ने, उनको समन पे जारी ना होने पड़े, तो कोर्ट में भी वो उनकी डिमांड खुली नहीं। तो इट इज सेल्फ एविडेंट कि कोर्ट भी ये बात मानती है कि डेली कमीशन वोमन की पूरी अधिकार थी, पूरी अधिकार है कुमार विश्वास जी को समन देने का। ये कोर्ट का भी यही